हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 6 पॉलिटी का यूनिट नंबर 3 शुरू करने जा रहे हैं और हमारे यूनिट का नाम है लोकल गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं इस यूनिट का, तो गाइस ये यूपीएससी के लिए इम्पॉर्टेंट यूनिट है। ठीक है ना, यूपीएससी ने ऑलरेडी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिए हैं और आगे भी चांसेस हैं कि वो पूछेंगे। ठीक है ना, बात करते हैं सबसे पहले हमारा चैप्टर नंबर 5 हम शुरू करने जा रहे हैं, तो हमारे इस चैप्टर का नाम है पंचायती राज। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं कि पंचायत क्या होता है। पंचायत का मतलब होता है लोकल गवर्निंग बॉडी ऑफ अ विलेज, यानी कि वो बॉडी जो कि विलेज को गवर्न करती है, जो कि विलेज से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट डिसीजन को देती है, उसे क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पंचायत। उसके बाद फिर नेक्स्ट टर्म आता है कि ग्राम सभा क्या होता है। तो देखिए, ग्राम सभा का मतलब होता है कि हर एक एडल्ट मेंबर एक विलेज का, जिसका नाम जो है वोटर लिस्ट में है। ठीक है ना, जिसका नाम वोटर लिस्ट में है, यानी कि वो वोट कर सकता है ना, तो वो ग्राम सभा को कॉन्स्टिट्यूट करेगा, मतलब कि वो ग्राम सभा का मेंबर होगा। तो बात करते हैं, देखिए मान लीजिए ये आपका विलेज है। विलेज जो है इस तरीके से वार्ड में डिवाइड किया जाता है और हर एक वार्ड से एक मेंबर को इलेक्ट किया जाता है, जिसे हम लोग वार्ड मेंबर्स या फिर पंच बोलते हैं। ठीक है ना, और तो और यही विलेज जो है एक सरपंच को भी इलेक्ट करेगा। तो यही जो आपका पंच हो गया, यानी कि जो वार्ड मेंबर और तो और जो आपका सरपंच हो गया, वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं आपका ग्राम पंचायत। ठीक है, तो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि ग्राम पंचायत और ग्राम सभा क्या होता है। देखिए, ग्राम पंचायत जो होता है इट कंसिस्ट ऑफ वार्ड मेंबर्स एंड सरपंच, है ना। एंड ग्राम सभा क्या होता है, ग्राम सभा कंसिस्ट ऑफ हर वो इंसान जिसका नाम जो है वोटर लिस्ट में रजिस्टर है। ठीक है, एंड बात करते हैं अगर हम लोग ग्राम पंचायत का, तो इसका टर्म कितना होता है, इसका टर्म होता है 5 ईयर्स, है ना। 5 ईयर्स के बाद जो है ये वार्ड मेंबर्स क्या होंगे, ये हट जाएंगे एंड अगेन फिर से इलेक्शन होगा और नया वार्ड मेंबर और नया सरपंच जो है इलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं ग्राम पंचायत का एक सेक्रेटरी भी होता है। ये सेक्रेटरी जो है ग्राम सभा का भी हो सकता है। ठीक है, मतलब एक ही सेक्रेटरी है जिसे आप ग्राम पंचायत का भी सेक्रेटरी बोल सकते हो और तो और आप उसे ग्राम सभा का भी सेक्रेटरी बोल सकते हो। लेकिन आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट ये याद रखना है कि ये जो सेक्रेटरी होता है इसे कोई इलेक्ट नहीं करता है। ठीक है ना, ये अपॉइंट किया जाता है किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा। तो आपको ये याद रखना है कि जो सेक्रेटरी होता है वो इलेक्ट नहीं बल्कि अपॉइंट किया जाता है। और इस सेक्रेटरी का काम क्या है, तो देखिए ये जो सेक्रेटरी है वो मीटिंग बुलाता है। ठीक है ना, किसकी मीटिंग बुलाता है, पंचायत की, ग्राम पंचायत की और तो और ग्राम सभा की। और उसके बाद फिर डिस्कशन होता है कि किस तरीके से कौन से काम करने हैं। और तो और ये जो सेक्रेटरी होता है, मीटिंग बुलाने के अलावा इसका काम ये होता है कि मीटिंग में क्या हो रहा है उसका एक रिकॉर्ड रखना। ठीक है ना, तो सेक्रेटरी के ये दो काम होते हैं, तो वो आपको याद रखने हैं। ठीक है, सेक्रेटरी से रिलेटेड मैंने आपको दो पॉइंट बताए हैं। पहला, ये अपॉइंटेड होता है एंड दूसरा कि ये मीटिंग बुलाता है प्लस ये रिकॉर्ड रखता है कि क्या उस मीटिंग में हो रहा है। अब देखिए, यूपीएससी ने 2016 में एक क्वेश्चन पूछा हुआ था कि द मिनिमम एज प्रिस्क्राइब्ड फॉर एनी पर्सन टू बी अ मेंबर ऑफ पंचायत इज 25 ईयर्स। इसका क्या मतलब हुआ कि जो मिनिमम एज है वो पंचायत के मेंबर होने की वो 25 ईयर्स है। मेंबर ऑफ पंचायत क्या हो गया, मेंबर ऑफ पंचायत यानी कि जो आपका पंच हो गए, है ना, और क्या हो गए, सरपंच हो गए। तो उसकी मिनिमम इज 25 ईयर्स नहीं, इसकी मिनिमम इज 21 ईयर्स है। यानी कि आप 21 ईयर्स अटेन करने के बाद जो है आप इसके इलेक्शन के लिए खड़े हो सकते हो। और सेकंड क्या था कि अ पंचायत रिकॉन्स्टिट्यूटेड आफ्टर प्री मेच्योर डिसोल्यूशन कंटिन्यूज ओनली फॉर रिमाइंडर पीरियड। इसका क्या मतलब हुआ कि देखिए, ये पंचायत है, मान लीजिए कि ये एक पंचायत है, इसमें आपके वार्ड मेंबर्स और सरपंच हैं, किसी कारण से इसको डिसॉल्व कर दिया गया, यानी कि इसको हटा दिया गया, अब एक नया पंचायत को बनाया गया। मान लीजिए कि ये जो है 3 साल जो है चला था, है ना, 3 साल चलने के बाद इसको डिसॉल्व किया गया है, तब ये जो नया पंचायत बना है क्या ये पूरे 5 साल चलेगा
या फिर बस रिमेनिंग इसके 2 साल ही चलने वाला है। तो देखिए, जो पंचायत, एक नया पंचायत बनाया जाता है प्री मेच्योर डिसोल्यूशन के बाद, वो बस रिमेनिंग पीरियड के लिए चलता है। मतलब कि अगर 3 साल पे एक पंचायत को हटा दिया गया है, तो जो नया पंचायत बनेगा वो बस 2 साल के लिए बनेगा। तो ये वाला ऑप्शन जो है सही है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? 2 only। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ग्राम सभा के रोल का। तो देखिए, आपको इस तरीके से अंदाजा लगाना है कि ग्राम सभा कौन है। ग्राम सभा जो है वो मेंबर्स हैं किसके, वो तो गांव के ही लोग हैं ना। तो गांव के लोग हैं, तो अब मान लीजिए कोई फंड आया है ग्राम पंचायत के पास, तो वो उसका मिसयूज तो होने देंगे नहीं कि ये हमारे गांव का पैसा है, आप इसको डेवलपमेंट के लिए यूज करो। तो देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ग्राम पंचायत को रिस्पॉन्सिबल बनाने में। और तो और, ये मिसयूज ऑफ मनी बाय द पंचायत इसको भी रोकते हैं, ठीक है ना, ताकि पंचायत जो है गाँव के लिए जो पैसा आया है उसको अपने लग्जरी के लिए खर्च ना कर सके। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं, देखिए जो ग्राम पंचायत का वर्क होता है ना, कोई भी काम ग्राम पंचायत करने जा रहा है, तो उसके पहले उसे अप्रूव होना ग्राम सभा के द्वारा बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम बात करते हैं ग्राम पंचायत का क्या काम होता है, तो देखिए ग्राम पंचायत जो होता है वो स्कूल की बिल्डिंग बनाता है, ठीक है ना, ड्रेनेज सिस्टम बनाता है, और तो और वाटर सोर्सेज बनाएगा, यानी पॉन्ड वगैरह हो गए, आपके रोड्स हो गए, तो ये सारी चीज़ें जो है ग्राम पंचायत बनवाता है। एंड अगेन, ग्राम पंचायत और क्या करता है, ग्राम पंचायत जो है लोकल टैक्स को इम्पोज करता है और उसको कलेक्ट करता है, ठीक है। और कोई अगर गांव से रिलेटेड कोई स्कीम है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा वो की गई है, तो उसको भी जो है ग्राम पंचायत जो है एग्जीक्यूट करने में मदद करता है। बात करते हैं अगर ग्राम पंचायत फंड कहाँ से पाता है, यानी कि वो पैसा कहाँ से पाता है, तो ग्राम पंचायत जो है अगर गवर्नमेंट की कोई स्कीम है तो उसके थ्रू उसको पैसा मिलने वाला है, राइट। ये जो यहाँ पे इसने टैक्स इम्पोज किया है, लोकल टैक्स, यानी कि ये हाउस पे हो गया या फिर आपका मार्केट पे कोई टैक्स पे वो किया है, तो इसका भी पैसा आपको ग्राम पंचायत को मिलने वाला है। तो ये सारे जो सोर्सेस हैं, ये सोर्सेस हैं ग्राम पंचायत के फंड के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं लेवल्स ऑफ पंचायत का। तो ये देखिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये भी है, आपको पता होना चाहिए पंचायत के लेवल का। तो देखिए, पंचायत का लेवल जो होता है ना, वो कुछ इस तरीके से होता है। सबसे पहले यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया आपका ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत मैंने आपको बता दिया है क्या होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ ये क्या हो गया, ये ब्लॉक लेवल है, ठीक है। और ब्लॉक लेवल पे क्या होता है, ब्लॉक लेवल पे होता है आपका जनपद पंचायत या फिर पंचायत समिति, ठीक है। नाम याद रखिएगा कि ब्लॉक लेवल पे जो होता है वो जनपद पंचायत या फिर पंचायत समिति होता है। अब ये जो पंचायत समिति है, ये सेकेंड लेवल पे, ये कई सारे ग्राम पंचायत को मिलके बनाते हैं। मतलब कि ये ग्राम पंचायत, ये ग्राम पंचायत, ये ग्राम पंचायत, ये पूरे मिलके क्या बनाएंगे, ये पूरे मिलके बनाएंगे आपका पंचायत समिति को या फिर जनपद समिति को, ठीक है ना, जनपद पंचायत को, सॉरी। एंड अगेन बात करते हैं, अब हम देखिए ब्लॉक लेवल तक आ गए थे, है ना। अब सबसे ऊपर क्या होता है, ये है आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो आपको पता होगा कि डिस्ट्रिक्ट के अंदर कई सारे गांव आते हैं, राइट। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो पंचायत होता है उसको हम लोग डिस्ट्रिक्ट पंचायत या फिर जिला परिषद बोलते हैं, ठीक है ना। तो नाम याद होना चाहिए कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम लोग इसे डिस्ट्रिक्ट पंचायत या फिर जिला परिषद बोलते हैं। अब हम बात करते हैं, ये देखिए ये है ना, ये क्या हो गया ग्राम पंचायत, ये हो गया जनपद, एंड ये हो गया डिस्ट्रिक्ट। अब ये जो आपका डिस्ट्रिक्ट वाला है ना, अगर मान लीजिए कोई फंड आया है, तो ये ब्लॉक के हेल्प से जो है, क्योंकि ब्लॉक के अंदर कई सारे विलेज आ रहे हैं, तो इसके हेल्प से जो है हर ग्राम पंचायत में मनी को डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है ना, किसी भी स्कीम को एग्जीक्यूट होने के लिए। तो ये इसका काम है, जिला परिषद जो है वो फंड को क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट हमारा ये है कि हर एक स्टेट जो है उसका पंचायत से रिगार्डिंग अलग अलग लॉज है। आपको आगे चल के लक्ष्मीकांत में पढ़ने को मिलेगा 73rd and 74th अमेंडमेंट एक्ट, जो कि इसी से रिलेटेड था, ठीक है ना, और वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये बस बेसिक्स था गाइस, एंड अगर इतना इन्फॉर्मेशन आपको पता होगा तो आप आगे चल के, आपको ये सारी चीज़ें बहुत ही मदद करने वाली है, ठीक है। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।